हेलो एवरीवन जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि लगभग सब स्कूलों में फर्स्ट क्लास के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं सो so इस तरह से केवी में भी एडमिशन का प्रोसेस शुरू होने वाला है वो ऑलरेडी मैंने बताया था कब से शुरू हो रहा है ट्वेंटी एट्थ तो ऑफ़ फेब से जो है वो शुरू हो जाएगा पोर्टल खुल जाएगा जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करना है उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको फॉर्म फिल करना होता है उस फॉर्म में आप तीन स्कूल एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो देन उसके बाद में लोट्री होती है लोटरी में जिस बच्चे का नाम पहले आता है उसका पहले एडमिशन होगा देन सेकंड है तो उसका सेकंड होगा इसके अकॉर्डिंग चलता है वो और ये जो एडमिशन का प्रोसेस है इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और साथ में ही के वी में जो है कैटेगरी डिवाइड होती है फर्स्ट टू फिफ्थ तक तो वो कौन सी कैटेगरी हैं और आर में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए या फिर क्या क्राइटेरिया है कि आप वहाँ पर आर के अंडर अप्लाई कर सकते हो सो so, सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन के लिए सो so, एडमिशन में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा वो लिंक ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में दिया था तो वीडियो से आप जो है मतलब लिंक देख सकते हैं सो so, वहाँ से आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है देन आपको एक एप्लीकेशन नंबर आएगा और आपके फ़ोन पर एक ओ आएगा उसके बाद में आपको पूरा का पूरा फॉर्म वो फिल करना है उसके साथ आपको सिर्फ़ दो डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड देन बच्चे का फोटो सिर्फ दो सर दो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहाँ पर अटैच करने हैं जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो और एडमिशन के टाइम पर आपको बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब भी वहाँ पर लगेंगे लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो पूछते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हो लाइक फर्स्ट में हो सेकेंड थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ में सो हम देख लेते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी होती हैं कैटेगरीज़ हैं फर्स्ट टू फिफ्थ सो फर्स्ट कैटेगरी में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्लाई होते हैं जिनका जो है लाइक like, रेलवे हो गया डिफेंस वाले हो गए वो जो है आपके फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं देन सेकंड में आते हैं ऑटोनोमस बॉडी अब ऑटोनोमस बॉडी कौन सी होती है मीनस कुछ पार्ट जो है उनका गवर्नमेंट का है कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर के चल रहा है या पब्लिक सेक्टर भी इन्हें आप बोल सकते हो सो so, वो क्या आते हैं सेकेंड कैटेगरी में थर्ड आते हैं अब ये बात थी फर्स्ट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की अब जो स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं या फिर जो स्टेट uh, गवर्नमेंट के जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं स्टेट गवर्नमेंट में जो काम करते हैं वो सो so, वो जाएंगे आपके थर्ड कैटेगरी में देन फोर्थ कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट में जो ऑटोनोमस बॉडी है या पब्लिक सेक्टर है वो रहेंगे आपके फोर्थ कैटेगरी में देन फिफ्थ में कौन आएंगे फिफ्थ में बाकी जितना भी प्राइवेट है या बिजनेस करते हो कोई भी प्राइवेट काम कर रहे हो सो so वो सब के सब आते हैं आपके फिफ्थ कैटेगरी में सो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि जो लगभग इसमें रेलवे और जो आर्मी है डिफेंस है डिफेंस का जो भी पार्ट है वो कैटेगरी वन में आते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं एज ए रेगुलर एम्प्लॉय के उसके बाद ट्रांसफर वाले जो हैं जिनका लास्ट सेवन ईयर में अगर कोई ट्रांसफ़र हुआ है मतलब लास्ट सेवन ईयर में अगर एक बार भी ट्रांसफर हुआ है तो वो इसमें आएगा देन ट्रांसफर दो अलग अलग हैं अब ये क्या चीज़ है इसमें क्या है कि आपका मिनिमम अगर ट्रांसफर ट्वेंटी किलोमीटर तक हुआ है सो so, वो भी ट्रांसफ़र केस पर माना जाएगा लेकिन वहाँ पर आपका स्टे सिक्स मंथ का होना चाहिए अगर उससे पहले आपका मतलब सिक्स मंथ का स्टे नहीं है तो वो ट्रांसफ़र केस में नहीं आएगा बिकॉज़ यहाँ पर जो लोटरी निकलती है उसमें ट्रांसफ़र का भी चेक करते हैं कि जिसका ट्रांसफर ज़्यादा है शायद उसका पहले नंबर आ जाए कि वो ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहे हैं सो so, इसके अकॉर्डिंग भी लॉटरी पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है सो so, ये सब चीज़ें उसमें चेक हो जाती है और जहाँ पर आपका ट्रांसफर हुआ है मिनिमम एक तो वो ट्वेंटी किलोमीटर तक तो होना चाहिए यानी कि यहाँ से आप दूसरे स्कूल में गए हो या कहीं और फाइव टू तो टेन किलोमीटर नहीं होना चाहिए मिनिमम ट्वेंटी किलोमीटर आपका डिस्टेंस होना चाहिए और मिनिमम सिक्स मंथ्स आपका वहाँ स्टे होना चाहिए तभी वो आपका ट्रांसफर काउंट होगा नेक्स्ट है ऑटोनोमस बॉडी या फिर पब्लिक सेक्टर इसमें क्या होगा कि पूरा या तो गवर्नमेंट का हो सकता है या फिर फिफ्टी वन परसेंट जो शेयर अगर गवर्नमेंट का है, रहता है तो so, वो ऑटोनोमस बॉडीज़ में काउंट होता है पब्लिक सेक्टर हो सकते हैं जैसे कि जो स्टेट बैंक्स हैं वो जो हैं आपके इसमें ऑटोनोमस बॉडी में आएंगे स्टेट स्टेट बैंक जो है फोर्थ कैटेगरी में आ जाएंगे और सेंट्रल बैंक है या फिर इस टाइप से कुछ हैं तो so, वो जो है आपके सेकेंड कैटेगरी में रहेंगे स्टेट एंड सेंटर का रहेगा फर्स्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सेकंड जो ऑटोनॉमस बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट में थर्ड स्टेट गवर्नमेंट और फोर्थ स्टेट गवर्नमेंट में जो ऑटोनॉमस बॉडी है वो तो ये हो गई फोर कैटेगरीज देन इसके बाद जो भी बचेगा वो सब जाएगा आपका फिफ्थ कैटेगरी में यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और बताई है सिंगल गर्ल चाइल्ड सो सिंगल गर्ल चाइल्ड की क्या होती है कि अलग से पोस्ट होती है जैसे फोर्टी की स्ट्रेंथ है तो उससे ऊपर आप दो अलग सिंगल गर्ल चाइल्ड का एडमिशन कर सकते हैं अब इसमें क्या है कि अगर किसी के ट्विंस हैं सो so, वो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड में ही काउंट होंगे अगर ट्विंस हैं और दोनों गर्ल्स हैं सो तो उनको एक ही माना जाएगा एंड दे विल बी काउंट एज ए सिंगल गर्ल चाइल्ड लेकिन सिर्फ उनकी लड़की ही होनी चाहिए सिर्फ एक मीन्स अगर ट्विंस हो गए तो वो अलग बात है लेकिन सिर्फ एक ही बच्चा होना चाहिए वो भी लड़की तभी वो सिंगल गर्ल चाइल्ड में आएगा उनका दूसरा सिबलिंग नहीं होना चाहिए और ट्विंस है तो उसको एक ही माना जाएगा देन उसके बाद में बात करते हैं आर अब आर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है सबसे पहले अगर आप आर के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं सो आपके पास ये सर्टिफिकेट्स इनमें से आप कोई कैटेगरी में बिलोंग होने चाहिए ए भी हो सकता है यहाँ पर सो इन में से आप एक कैटेगरी में बिलोंग करने चाहिए एस सी एस और ए और जो सर्टिफिकेट होगा इनमें से जो कैटेगरीज दी हैं यहाँ पर इनमें जो सर्टिफिकेट होगा वो बच्चे के नाम पर होना चाहिए चाइल्ड के नाम पर होना चाहिए क्योंकि अगर वो माँ बाप के नाम पर है तो विद इन सिक्स मंथ्स आपको फिर से सबमिट करवाना होता है तो इससे अच्छा रहेगा कि आप पहले ही उसको ले लें उसके बाद सेकेंड थिंग रहती है कि आपको जो है अगर आर में एडमिशन लेना है तो डिस्टेंस स्कूल से जो डिस्टेंस है अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो आपका स्कूल का डिस्टेंस फाइव किलोमीटर होना चाहिए और अगर रूरल एरिया में आप हैं तो स्कूल से डिस्टेंस एट किलोमीटर है अगर इतना दूर होगा तो ही आप जो है आर के अंडर अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से ज़्यादा है यानी कि सिक्स किलोमीटर या फाइव पॉइंट फाइव किलोमीटर भी हो गया सो तो आप आर के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते सो तो अगर आर के लिए अप्लाई करना है तो ये चीज़ फॉलो करनी जरूरी है मतलब आपका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आर की स्कूल में जो है फोर्टी के अकॉर्डिंग ट्वेंटी सीट होती है और टेंथ सीट जो है आर की वहाँ पर रहती हैं अब इसमें जो है मैं एक बात भूल गई थी यहाँ पर जैसे फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि कौन सी कैटेगरी में हमें जाना है हमें समझ नहीं आ रहा है सो so, वहाँ पर जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया होगा कि हम आप अपना जो जो भी जॉब है आपका वो आप लिख दो और उसके अकॉर्डिंग वो खुद ही आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर देंगे सो so, उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा जस्ट आपको उस पर येस करना है जो भी फॉर्म है वहाँ पर आप येस कर दोगे सो so, वो आपकी कैटेगरी खुद ही सिलेक्ट कर देंगे रजिस्ट्रेशन में जैसे ही आपने जॉब फिल करोगे सो उसके अकॉर्डिंग वो आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर देंगे और आपको भी डाउट नहीं रहेगा और आगे भी आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी क्योंकि तो अगर आपको समझ नहीं आता और बाई मिस्टेक आप गलत कर देते हैं सो so बाद में आगे भी प्रॉब्लम आएंगी एडमिशन के टाइम पर कि आपकी कैटेगरी क्या आपता है वन हो और आपने थ्री फिल कर दी हो सो so इस वजह से अब थ्री फिल करोगे तो एडमिशन में नंबर लेट आएगा सो so एडमिशन का प्रॉब्लम हो सकता है तो so वहाँ पर यस का कॉलम होता है कि आपकी जॉब के अकॉर्डिंग वो खुद ही आपकी कैटेगरी वहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे सो so आप वो भी कर सकते हो देन उसके बाद में है डॉक्यूमेंट्स अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं देखो जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो सो वहाँ पर आपको सिर्फ चाइल्ड का जो है फोटो और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है ये दो चीज़ें आपको अपलोड करनी है एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो भी बच्चे का नाम है मदर्स नेम है फादर नेम है एंड डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग क्योंकि वो सेम नहीं है तो बाद में फिर आपको बोला जाएगा कि आप सेम करिए सो इससे अच्छा रहेगा कि आप पहले ही उसको जो है एग्जैक्ट जो लिखा हुआ है आपके पहले ही आपके उसमें लिखा हुआ है कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है या नाम क्या है बच्चे का नेम क्या है फादर नेम क्या है मदर नेम क्या है सो so जो जो आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपको वही लिखना है उसमें चेंज नहीं करना है उसके बाद बच्चे की एज मिनिमम तो फाइव ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम सेवन ईयर अगर इससे ज़्यादा बच्चे की एज है या फिर इससे कम है तो बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता और कब तक की थर्टी मार्च तक की आपको काउंट करनी है बच्चे की एज थर्टी मार्च ट्वेंटी तक बच्चे की एज फाइव ईयर्स और फाइव टू सेवन ईयर्स के बीच में वो होनी चाहिए अब अगर लॉटरी में नाम आ जाता है एडमिशन हो जाता है कॉल आता है आपके पास या फिर आप स्कूल के साइड पे या कहीं वही चेक करते हो जहाँ आपने स्कूल में अप्लाई किया है तो फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए सो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिएगा बच्चे के दो फोटोज चाहिएंगे वहाँ पर जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे लोटरी के बाद में देन उसके बाद में आपको जो है अगर वो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं लाइक एक्स सर्विस या फिर एम्प्लॉय वगैरह के सो वो सर वो सर्टिफिकेट चाहिएगा या फिर अगर आप कोई कैटेगरी में काम करते हो यानी कि आप सेंट्रल एम्प्लॉय हो या फिर स्टेट एम्प्लॉय हो सो तो वो सर्विस सर्टिफिकेट आपका वहाँ पर चाहिएगा अगर आपका कहीं ट्रांसफ़र हुआ है तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपका वहाँ पर साथ में लगेगा अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसकी नोटरी बनती है वो आपको लगानी पड़ेगी साथ में कि मेरे जो है एक ही लड़की है सो तो वो भी आपको देनी पड़ेगी अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं सो तो आपको वो भी दिखाना पड़ेगा और वो किसके बच्चे के नाम से रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आगे भी एंड अगर बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है डिसेबिलिटी है कोई सो so वो भी आपको उसका सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा वहाँ पर मतलब वो साथ में लगाना पड़ेगा एंड देन प्रूफ ऑफ रेजिडेंस अब प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में आधार कार्ड आप नहीं लगा सकते उसके अलावा अगर आपके पास है लाइक रेंट एग्रीमेंट हो गया या फिर क्वार्टर अलॉटमेंट का लेटर हो गया वो सब आप यहाँ पर लगा सकते हो लेकिन आधार कार्ड नहीं लगाना है बिकॉज़ वो वैलिड प्रूफ नहीं माना जाता आधार कार्ड आप नहीं लगा सकते रेंट एग्रीमेंट या क्वार्टर अलॉटमेंट लेटर आप वहाँ पर लगा सकते हैं सो so ये जो हैं आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे दो फोटोग्राफ्स डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट रेजिडेंस प्रूफ देन सर्विस सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो भी आपका रहेगा एंड देन एस सी एस टी ओ बी सी अगर आप कोई कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या फिर और ओ बी सी में एन सी एल ओ बी सी में आप एन सी एल में इसी पार्टी में अप्लाई कर सकते हैं ई डब्ल्यू एस में जो भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो वो सब आपका यहाँ पर लगेगा सो so, ये जो है आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे लेकिन सबसे पहले आपको जो है रजिस्टर करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आप वहाँ पर अप्लाई करोगे और वहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़ें अपलोड करनी है बच्चे का फोटो एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और कैटेगरी जो है आप डायरेक्ट वहाँ पर येस yes कर दोगे कि कैटेगरी जो ख़ुद से सेलेक्ट कर ले सो so सेलेक्ट करके देन आपको जैसा अपनी आप जॉब वहाँ पर डालनी है कि मैं ये जॉब करता हूँ और वो खुद से आपकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेगा सो so ये सब चीज़ें जो हैं आपको चाहिएगी एडमिशन के टाइम पर जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे और अगर आर में आपका एडमिशन हो रहा है तो आपको जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी वहाँ सबमिट करना होगा कि हम जो है यहाँ से स्कूल से जो है फाइव किलोमीटर या फिर एट किलोमीटर अर्बन एरिया में है तो फाइव किलोमीटर और रूरल में है तो एट किलोमीटर जो है स्कूल से हमारा डिस्टेंस है इससे ज़्यादा नहीं है अगर आरटी में एडमिशन लेते हो तो आपको ये चीज़ भी वहाँ पर देनी पड़ेगी सो so, ये सब डॉक्यूमेंट्स और सब चीज़ें आपकी रहेंगी